ज्योति मौर्य मामले में सूत्रों की माने तो मनीष दुबे का अभी भी सस्पेंशन नहीं हुआ है। हालांकि जांच में मनीष दुबे जो दोषी पाए गए हैं, यूपी के महोबा में कुछ समय पहले ही गुलाबी गैंग ने मनीष दुबे के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला था, जिसमें उनका मानना था कि मनीष दुबे समाज के लिए काफी ज्यादा घातक हैं। मनीष दुबे की वजह से ही बच्चियों की पढ़ाई लिखाई पर अब काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कई महिलाओं की पढ़ाई लिखाई बंद कर दी गई है, जिसमें ज्योति मौर्य जितनी गुनाहगार हैं उतनी ही मनीष दुबे भी है। इसलिए मनीष दुबे का सस्पेंशन जरूरी है। मनीष दुबे को उस पद से हटा देना चाहिए। मनीष दुबे के बारे में लगातार गुलाबी गैंग ने बात की और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस पर कार्रवाई करवाने के लिए कुछ भी करेंगी। इसके लिए मनीष दुबे ने यूपी के गवर्नर के पास एक ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन माना ये जा रहा है कि अभी भी मनीष दुबे का सस्पेंशन नहीं हुआ है। हालांकि गुलाबी गैंग के उस प्रकरण के बाद अभी भी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है कि आखिर ये गैंग अब कौन सा कदम उठाने वाली है। लेकिन अगर उस दौरान की रिपोर्ट की माने तो गुलाबी गैंग ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इसके खिलाफ जाकर के कोई बड़ी कार्रवाई करवाने के लिए अपना पूरा दमखम लगाएंगे। अब ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जल्द उत्तर प्रदेश में मनीष दुबे के खिलाफ अब लोगों की ओर से परेशानियां बढ़ने वाली हैं। अब देखना ये है कि जांच एजेंसियां मनीष दुबे पर कब नकेल कसती हैं। फिलहाल ज्योति मौर्य पर एक्शन तो लिया जाएगा, ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच तेज है, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है लोगों की ओर से कि आखिर मनीष दुबे को क्यों बख्शा जा रहा है, क्यों मनीष दुबे पर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।